आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आईटीआर का कैंपस टूर वीडियो चाहिए, तो भाई देखो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में हैं जो आप देख सकते हैं कैंपस टूर का, पर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको वीडियो चाहिए था, इसलिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग देखो, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बाय। सीरिया अगर आप जाके इंटरनेट में आपका लैपटॉप ऑन करके सर्च करोगे तो आज के दिन में आईटीआर का बहुत सारा कैंपोस्टर वीडियो है और आपको मिल भी जाएगा। तो मैं आपको मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में मेरे अकाउंट से दिखाता हूँ कितना सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। पहले आप जाओ यूट्यूब में, यूट्यूब में जाने के बाद आपको सर्च करना है आईटीआर कैंपोस्टर वीडियो। तो आप लोग जब बहुत दिनों से मेरे को ये बोल रहे हो कि वीडियो बना दो, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, तो भाई इतना वीडियो है, मैं डाल के क्या करूँ? तो सर्च बार में जाओ और सर्च करो ITR कैंपस टूर वीडियो। आप लोग खुद देख लो कितना सारा वीडियो है, सब बनाया है कैंपस टूर का, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। पर क्या मतलब आपको, आई थिंक क्या पता नहीं, आपको मेरे से भी वीडियो चाहिए था, तो मैं सोचा थोड़ा मैं भी कुछ बना देता हूँ। यहाँ मेरा भी वीडियो है बहुत सारा, आप देख सकते हो, मैं शॉर्ट्स वगैरह डाला हूँ तो वो भी बहुत सारा है जो मतलब अच्छा खासा व्यू गया है। तो आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हैं मेरा वाला वीडियो। कोई तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो कैंपस टूर थोड़ा कुछ दे देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं हॉस्टल से निकल गया क्लास के लिए और ये है हॉस्टल से जाने वाला रोड। यहाँ मिलेगा हर तरह का हॉस्टल, मतलब हर हॉस्टल, 12 हॉस्टल है, तो ये 29 का हॉस्टल है। ये मेरा 12 में छोड़ के आ चुका हूँ। यहाँ आपको हर कुछ चीज़ मिलेगा, यहाँ गाड़ी से जाने वाले बंदे मिलेंगे और गाड़ी रखा हुआ मिलेगा, साइकिल वाले चचा मिलेंगे और पैदल जाने वाले मेरे जैसे लोग भी मिलेंगे। तो चलो आ चलते हैं क्लास, कैसे क्या होता है। ये सब वाले हॉस्टल हैं, 7-8 वाले हॉस्टल हैं। आज पानी हुआ था, मतलब बारिश हुआ था तो पानी हो गया था। मैं थोड़ा आस्ते आस्ते इसीलिए जा रहा हूँ, और भाई मेरे को गाली मत देना क्योंकि मैं जितना चाहूँ उतना वीडियो ही बना रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा, पर मतलब सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं मिला कि वीडियो बना लूँ अच्छे से। तो दिखा रहा हूँ आपको जो भी मिल रहा है, ठीक है, गुस्सा मत करना। तो ऐसे बंदे लोग जाते हैं हॉस्टल से, ये हॉस्टल का एंड हो रहा है अभी क्योंकि ये BH6 या कुछ 4 है और 1-2 पूरा सामने है मतलब कैंपस का। तो आप गाड़ी आपके पास है तो आप गाड़ी में जा सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो, मैं पैदल जाता हूँ हर दिन। यहाँ आपको मिलेंगे क्लास जाने वाले बंदे, यहाँ आपको मिलेंगे क्लास से आने वाले बंदे। तो मैं जाने वाले में से हूँ, अभी जा रहा हूँ, बहुत लोग आने वाले भी हैं, इधर से आ रहे होंगे। तो ये कैंपस है, यहाँ देखो हॉस्टल ख़त्म हो रहा है, थोड़ा गार्डनिंग है और यहाँ से बस यहाँ रखा हुआ है क्योंकि सामने कुछ काम चल रहा है तो बस इधर आके रख दिए हैं। और ये यहाँ से चलो शुरू होता है हमारा एकेडमिक सब चीज़। देखो भाई कैंपस टूर जो मांग रहे हो, मेरे को लगता है आप लोग को ये लगता होगा कि कैसा दिखता है कॉलेज, वो दिखा सकता हूँ। पर आप जो सोच रहे हो यहाँ कुछ नहीं होगा कैंपस टूर में, क्या होगा, बस एक बिल्डिंग कुछ सारे है और सारे सिक्योरिटी भी हैं लोग हैं और उतना ही चीज़ मिलेगा। तो देख लो ये है हम लोगों का कैफेटेरिया, जब ITR आओगे ये कैफेटेरिया मिलेगा। यहाँ सैलून भी है खाने के लिए, 6-6 यहाँ 5 फ्लोर है और यहाँ सारे बिल्डिंग है। ये सब गाड़ी जो है EV का है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपको अगर कभी आना होगा बाल कटाने के लिए आप यहाँ अंदर ही बाल कटवा सकते हो, ठीक है। यहाँ खाना वाना सब मिलता है, यहाँ सब चीज़ है खाने के लिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अच्छा सारा बिल्डिंग भी है और यहाँ का व्यू देख लो, फ्रंट से ऐसा दिखता है ये। और भाई क्या मतलब कैंपस टूर में यही चीज़ मिलेगा आप लोगों को। और भाई यहाँ ये एक प्लेग्राउंड है, जो लोग बोल रहे थे कि प्लेग्राउंड है कि नहीं, ये देख लो यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए है और पानी पानी भर चुका है। ये ऐसा ही रहता है, यहाँ खेलने के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है आप लोगों को। जो भी बोलता है कि नहीं है तो उनके लिए वीडियो है कि भाई देख लो है कि नहीं है, ठीक है। मैं ये बताता हूँ यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है पर खेलने के लिए कुछ, चलो कोई नहीं, आप इंजीनियरिंग कैंपस में हो तो खेलने के लिए ज़्यादा चीज़ मत सोचो और क्लास चलते हैं। ये सब बिल्डिंग यहाँ मिलेगा, ये है जो मैं जा रहा हूँ, मेरा लेफ्ट वाला जो बिल्डिंग है ये सिविल का बिल्डिंग है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग बंदे यहाँ क्लास करते हैं और मैं भाई ज़्यादातर वीडियो नीचे करके हूँ इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बंदे लोग मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कोई देखेगा वीडियो को, ऐसे क्यों बना रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं। ये सामने वाले जो बिल्डिंग है ये डिपार्टमेंटल बिल्डिंग है, यहाँ सब टीचर लोग भी रहते हैं इस बिल्डिंग में। तो अब एंट्री हुआ पीछे से क्योंकि हम पीछे से क्लास जाते हैं हॉस्टल वाले बंदे। और ये यहाँ भी बंदे लोगों का क्लास होता है, लाइक BTech बंदे लोगों का क्लास होता है, हम लोगों का यहाँ नहीं होता क्योंकि हम मास्टर्स कर रहे हैं, हमारा अलग बिल्डिंग है। यहाँ मेरा ये होता है प्रैक्टिकल वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ
और कुछ नहीं, कैंपस टूर में ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को। अभी सुबह सुबह कुछ खुला नहीं है तो इसीलिए सब अंधेरा अंधेरा है, क्योंकि मैं 7:30 बजे क्लास है। ये जो नोटिस बोर्ड देख रहे हो, यहाँ आप लोगों का नाम लगेगा अगर कुछ अच्छा किए हो, कुछ एक्स्ट्रा किए हो, कुछ कुछ भी प्राइज़ वगैरह मिला है। और ये जो फ्लोर है, ये लाइब्रेरी मतलब लैब का फ्लोर है, यहाँ सब कंप्यूटर होता है, सब सब रूम में कंप्यूटर ही है। आपका जो जॉन लैब होगा उसी लैब में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मतलब होगा टाइम टेबल में लैब, उसी लैब में घुसना, ठीक है। ये लैब वाला बिल्डिंग है, और ये ऊपर से थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये। मतलब हमारा मेन एरिया है कैंपस का, यहाँ गाड़ी वाड़ी सब टीचर का रहता है। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा क्लास कैसे होता है, तो ये लैब का क्लास दिखा रहा हूँ। ऐसे कंप्यूटर रहता है और आपको ऐसे टेबल में बैठ के पढ़ना होता है, टीचर लोग पढ़ाते हैं। मैं थोड़ा वीडियो छुप के निकाल लिया, बंदे लोग मैम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सुन भी लो कैसे ITR में पढ़ाई होते हैं। आप लोग पूछ रहे थे ना, ये देख लो ये वीडियो, थोड़ा आपको पता भी चल जाएगा कैसे पढ़ाई होता है, अच्छा है कि नहीं, आप सोच लो। आशा करता हूँ पूरा वीडियो आप लोग देख लिया होंगे, तो इसी यहाँ अब तक जो ये वीडियो पहुँचाना चाहता हूँ तो मैं पहुँचा दिया। भाई देखो, कैंपस टूर में कुछ ज़्यादा दिखाने वाला चीज़ नहीं है, मेरे पास ड्रोन नहीं कि ड्रोन उड़ा के आपको दिखाऊंगी हाँ कैंपस ऐसा सुंदर दिखता है। हाँ बहुत अच्छा है कैंपस, बहुत सुंदर है कैंपस, बहुत सारा और भी चीज़ है जैसे लाइब्रेरी है, बहुत सारी चीज़ मैं दिखाने पाया, हाँ मैं शॉर्ट्स में डाला हूँ, आप लोग चाहे तो वहाँ देख सकते हो। और क्या होता है ना, हर चीज़ दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं क्लास जाता हूँ, मैं MCA कर रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मेरे को कि जाके वीडियो बनाऊँ कि ये करूँ वो करूँ। और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए भी एक टाइम होना चाहिए, मेरे पास उतना टाइम अभी नहीं है क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारा मेरे को मतलब प्रेशर है कॉलेज में पढ़ाई के सब के। तो मैं जितना मेरे से हो सका मैं कर दिया। बाकी बहुत सारे भैया लोगों का, दीदी लोगों का वीडियो है जो कैंपस टूर के लिए ही, आप जाकर YouTube में सर्च करो, आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से देखो उसको। देखो कैंपस से कुछ नहीं होता है कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कैंपस से कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ने के लिए एक रूम चाहिए, टीचर अच्छा होना चाहिए, उसको मैं बता रहा हूँ कि टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है यहाँ। और आप कैंपस भी बहुत अच्छा है, पर कैंपस मैं दिखा नहीं पाऊंगा इतना सारा, मैं फ़ोन लेके हर जगह घूम नहीं पाऊंगा। तो मैं यही बता रहा हूँ भाई, मैं खुद पढ़ रहा हूँ कि आप कैंपस के अकॉर्डिंग मत आओ। ऐसे बोलो कि तो किट का कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत बहुत अच्छा है, आप कैंपस में थोड़ी ना जाके देख सकते हो। अभी मेरा ITR का जो रैंक है ना, अभी ओडिशा में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इसका नाम आ रहा है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि ये अच्छा है वो अच्छा है, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं ITR में पढ़ रहा हूँ तो ये अच्छा है। हाँ पढ़ाई अच्छा होता है, आप पैसे दे रहे हो तो आपको क्या चाहिए, पढ़ाई अच्छा चाहिए, वो पढ़ाई अच्छा है, टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा, आप पढ़ो अच्छे से, टाइम दो, जॉब भी मिलेगा। और हम बहुत भाइयों लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई हम तो 60% सभ्य नहीं है और हम नॉन कैरियर बंदे हैं, क्या होगा। मेरा भी नॉन कैरियर है, मैं जो MCA कर रहा हूँ 300 बंदे हैं MCA में, वहाँ से 250 बंदे का ना नॉन कैरियर है, तो वो क्या मतलब 50 बंदे को ही जॉब देगा, हम लोग क्या घास चराने जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। नॉन कैरियर के लिए भी कंपनी आता है, पर क्या होता है आपको कॉलेज में अगर 200 कंपनी आ रहा है तो कैरियर वाले को क्या होगा ना, अगर 20 कंपनी में बैठने के लिए मिल रहा होगा तो नॉन कैरियर वालों को 15 बैठेगा। और जो सोच रहे हो हाँ 200 आते तो 200 में बैठे हैं क्यों, अरे भाई आपको आप अभी पढ़ने आ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा और बता देता हूँ, वेट वीडियो पर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का ये भी चीज़ है कि भाई आप बताओ कि नॉन कैरियर का क्या चीज़ है। मैं बता रहा हूँ एक मैं जो फील कर चुका हूँ, आपको नहीं पता चल रहा, आप जब कॉलेज आओगे ये फील कर लोगे। 200 कंपनी अगर कॉलेज बोल रहा है कि मेरे कॉलेज में 200 कंपनी आ रहा है तो 200 आ रहा है, पर ये नहीं कि आपको 200 में ही बिठाया जाएगा। अरे 200 में बैठने के लिए टाइम थोड़ी ना होता है हर किसी के पास, जब आपको बिठाएंगे 10-15 कंपनी बिठाएंगे उससे आप एक जॉब ले लो, क्योंकि जितना लेट करोगे आपके लिए उतना लॉस होगा। इसीलिए क्या होता है हर बंदों को 10-15 कंपनी में बिठाया जाता है, जो बंदा अच्छा होता है एक दो में मिल जाता है, किसी को 4-5 में मिल जाता है, किसी को 10 में मिल जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता है क्योंकि नहीं होने से नहीं मिलेगा, मेरे पास भी नहीं होगा दिमाग तो मैं भी घर ही जाऊंगा, ऐसा है ना। आप पढ़ो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, सर मत डरो। और जो बोले नॉन कैरियर के लिए नहीं होता है, भाई मैं बता रहा हूँ कैरियर के लिए बहुत लिमिटेड कंपनी है, जैसे टॉप MNC कंपनी है ना फैंग, वो कंपनी लोग ही कैरियर लोगों को लेते हैं, हमको नहीं बैठना है ऐसे बड़े बड़े कंपनी में, तो ठीक है बहुत सारे छोटे कंपनी जो आपको लेंगे 60 के नॉन कैरियर वाले को, हाँ थोड़ा दिक्कत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जॉब नहीं मिलता। बहुत लोगों का ये मानना है कि भाई जॉब नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ
आपको सबको जॉब मिलेगा, ठीक है। मत डरो, आओ पढ़ो, हम भी ऐसे डर रहे थे, हम भी आके पढ़ रहे हैं, हमको पता है, बस पढ़ना पड़ेगा आपको भाई। यहाँ नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको घर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। पापा मम्मी को परेशान मत करना, पढ़ना। अब पापा मम्मी का पैसा जो दिए हैं उसी अकॉर्डिंग उनको भी कुछ फल मिलना चाहिए, ठीक है। कैंपस टूर वीडियो में थोड़ा ही दिखाया, दिखाया नहीं हूँ, बस दिखाया कि कैसे कैसे होता है, क्लास कैसे जाता हूँ, किस तरफ से जाता हूँ, कैसा बिल्डिंग है, क्या क्या है, और कैंपस में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये देखना होता है ना आप लोगों को। बिल्डिंग बहुत अच्छा है और बहुत सारे ड्रोन शॉट वीडियो भी है, भाई लोग छोड़े, आप जाके वहाँ से चेक करो, अच्छा से मिल जाएगा आपको। बस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैं भी पढ़े बढ़े में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, असाइनमेंट वगैरह बहुत सारा होता है, लिखने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, तो इसी के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, किसी किसी को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो बहुत सारे भाई बहन लोग आपस में ही बात कर लेते हैं, मेरे को खुशी लग रहा है कि हाँ जिनको पता है वो बाकी लोगों को बता रहे हैं, तो ठीक है। आपको अगर ज़्यादा कुछ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक है यूट्यूब में, आप आपको इंस्टाग्राम बात करो, बहुत लोगों को मैं रिप्लाई देता हूँ, बहुत लोगों का हेल्प भी हो चुका है, बहुत लोग एडमिशन भी ले चुके हैं, ठीक है। इतना ही बताना है भाई, बाकी आपका मर्जी, आपको कैसा पसंद है, ITR पसंद है, KIIT पसंद है, LIIT पसंद है, बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आपको जो भी पसंद आए, जो भी सबसे अच्छा लगे, प्राइस अकॉर्डिंग पापा मम्मी से बात करके कॉलेज में ज्वाइन करना, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए और सब वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, ऐसे वीडियो को प्यार देते रहो और टेक केयर, बाय बाय।